सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर हनी अग्रवाल। आज मैं परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचनों को आपके लिए लेकर आया हूँ। उससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों में से वचन सुने, आइए हम अपनी आँखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि आपने पिता परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका थैंक्स करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जो वचन आज लोग सुने मेरे परमेश्वर प्रभु, सुनकर सो गुनाफा लेकर आए, कोई भी अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। इन वचनों के सुनने वाले पिता चंगे हो, छुटकारा पाएं, आशीषित हो पिता परमेश्वर प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से वचन पढ़ेंगे और सुनेंगे। लूका उसका 6 अध्याय उसकी 38 आयत में लिखा हुआ है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु के प्रयोग बाइबल में लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं कि परमेश्वर से अच्छी वस्तुएं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें दे, हमें जे दे, जे दे, जे दे, जे दे, जे दे, लेकिन वो बेस्ट देना नहीं चाहते। परमेश्वर से बेस्ट लेना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को बेस्ट देना नहीं चाहते अपना। बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के जन थे, जिन्होंने अपना बेस्ट परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट दिया। आमीन, हालेलुया। बाइबल के बीच में लिखा कि अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र का सरफा ना करते हुए परमेश्वर को दिया तो परमेश्वर ने भी अपना उसको बेस्ट दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने अपना बेस्ट दिया और परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट दिया अब्राहम को। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, देख आकाश के तारों को देख, क्या तू इनकी गिनती कर सकता है? समुद्र के किनको जो किनके होते हैं, जो कण होते हैं, उनकी तू गिनती कर सकता है? वो बोला नहीं। परमेश्वर ने बोला इतनी मैं तुझे, इतना तुझे महान करूंगा। परमेश्वर ने उसको बेस्ट दिया, हालेलुया। जिस इंसान ने परमेश्वर को अपना बेस्ट दिया, परमेश्वर ने भी आगे उस इंसान को अपना बेस्ट दिया। जब हम देखते हैं कि एक सारपत्र की विधवा औरत ने परमेश्वर के दास को अपना बेस्ट दिया, एक थोड़ा सा मुट्ठी आटा उसको दिया तो परमेश्वर ने भी उसको बेस्ट दिया। अगर वो ना देती, वो और उसका बेटा एक रोटी खाते और खाकर मर जाते, लेकिन उसने अपनी अपने बेटे की जान की परवाह ना करते हुए परमेश्वर के दास को दिया, अपना बेस्ट दिया अपनी ओर से परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने भी उसको अपना बेस्ट दिया। जब तक उस देश में अकाल रहा तब तक उसके घर में से आटा खत्म ना हुआ, हालेलुया। तो उसे इसी तरह हम देखते हैं, एक विधवा जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में बैठे हुए थे, उसके साथ उनके चेले भी थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग आकर ऑफरिंग दे रहे थे, लेकिन जब एक विधवा औरत आई तो विधवा औरत ने अपनी दो दमड़ियां उस बॉक्स में डाली। जब डाली, प्रभु ने बोला कि इस विधवा ने सबसे अधिक दान किया। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कुछ था उसने उसमें डाल दिया था। उस स्त्री ने, उस विधवा स्त्री ने अपना बेस्ट दिया, उसके पास जो कुछ था उसने डाल दिया उस ऑफरिंग बॉक्स में। जब उसने ऐसा किया तो परमेश्वर ने भी अपना बेस्ट दिया, अपने वर्ड दिए। आज भी, आज जो कोई फाइनेंस बोता है उसको परमेश्वर कई गुना ब्लेस करते हैं। अगर वो विधवा औरत ने बोया होगा
तो परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया होगा कि नहीं किया होगा, वो आशीषित हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के हजूर दिए। आमीन। आज भी जब लोग परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं तो परमेश्वर भी अपना बेस्ट देता है। जब आप अपना बेस्ट दोगे परमेश्वर को तो परमेश्वर आगे अपना और बेस्ट आपके जो आपके लिए रखा हुआ है परमेश्वर आपको देगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। सो अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, बरकत दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदा प्रभु इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने इन बच्चों के साथ बातें की। और पिता परमेश्वर प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिताजी, वह वचन सोगना फल लेकर आए, कोई भी अंधकार की ताकत इन वचनों को चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता इन वचनों के द्वारा लोग ट्रैक्शन ले रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता परमेश्वर चंगे हो चुके हैं तेरे के कोड़े खाने से प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जय इस वचन के द्वारा आशीषित हो चुके हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मानता हूँ।